हर बारी ऐना कहा करो के जी आ देखो जी मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पूरा नोटिफिकेशन जारी करो जारी करो जारी करो। दुख होया जदों असीं तां नोटिफिकेशन चे दिलों ते कुछ तुहाडीआं मुलाजम ते बंदियां ने ऐं पाड़ के डस्टबिन सुट्टा, फिर उहदे बारे की जवाब देंगे जी? केजरीवाल साहब ने जिहड़ा पत्र खेती कानूनां दा पार्लीमेंट दे उत्ते पाड़िया सीगा ते उदों ते दुख नहीं लगे, साडे पत्र पाड़न दा क्यों दुख लग्या? तुसीं कहा सी नोटिफिकेशन जारी करती ते असीं इहनूं विधान सभा दे विच लै के जावांगे। असीं ओल्ड पेंशन स्कीम दा जिहड़ा नोटिफिकेशन जारी करता, असीं उहनूं विधान सभा च लै के आवांगे। कि असीं नोटिफिकेशन मतलब पुरानी पेंशन स्कीम दा मुद्दा विधानसभा च लैके जा, अजे तो तुसी सीएम साहब तुसी क्या ना ये गल, इहदा मतलब अजे तो विधानसभा जाऊगा लागू तो उत्तों बाद होगे, उत्तों बाद गवर्नर कोल जाना। मैं तो पहले दिन तो यह कह रहा भी जे तुसी थर्ड ऑप्शन दिती तो एक्ट बनेगा, तो अज तुसी वो मेरी गल नूं प्रूव करता मैं कितने गलत सी, तुहाडे सिपल सलाहकार गलत ने। तो जो सेंटर ने किया नहीं करते उत्थे जाओ, फिर उत्थे गए नहीं गए जो उन्हें कहता कोई ओपीएस का सी पैसा नहीं देना। हाँ सेंटर गवर्नमेंट दे मोदी सरकार दे विरुद्ध नारे लाए उस दिन, असी मोदी सरकार मुर्दाबाद हुण भी कहने आ। भाई साहब मलविंदर सिंह कंग जी मैं तुहानू दस देना चाहना, तुहानू नहीं पता शायद तुसी जूनियर, तुहाडे सीनियर बंदे आ जिहड़ा सुखचैन सिंह खहरा खड़िया मुलाजम सांझे मुलाजम मंच वल्लों इहनू फोन करदे सी, कौन पुछ के देखो मानयोग स्पीकर साहब नू, पुछ के देखो मानयोग बुद्ध राम जी नू, पुछ के देखो अपने वित्त मंत्री साहब नू कि जदों विधानसभा दा सैशन हुंदे सी इह बुला के कुर्सियां छड के कहिंदे हुंदे सानू दसो समझाओ मुलाजमां दे मुद्दे असीं उत्थे चक्कांगे, ते उदों असीं विके नहीं सी। की तुसीं सानू विके होए कहोगे? की तुसीं सानू इह कहोगे जिहड़े तुक्की तिक्की बंदे आ के तुहाडे को इह कोहा गए उहनां तों दूर रहा करो? उह साडे लोक कढे गए बंदे ने जिन्हां दा कोई वजूद नहीं हैगा मुलाजम वर्ग दे विच। ओल्ड पेंशन स्कीम नूं लै के पंजाब दे विच नवां भड़थू पैंदा नज़र आ रहा है। तुसीं देख रहे हो तां खबरसार ते मैं तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। कुछ समां पहलां पंजाब सरकार वल्लों ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करन नूं लै के एक नोटिफिकेशन जारी की गई, तो उस तो नाराज़ कुछ मुलाजम जथेबंदियों वल्लों उस ओल्ड पेंशन स्कीम की नोटिफिकेशन नूं पाड़िया गया, जिस तों बाद भगवंत मान साहब होणा दा एक रिएक्शन आया, जिस तों इह लगता है कि सीएम साहब नूं काफ़ी दुख होया है जिस तरीके नाल मुलाजम जथेबंदियों वल्लों ओल्ड पेंशन स्कीम की नोटिफिकेशन नूं पाड़िया गया। हुण दुख होया है या फिर नहीं ये तो भगवंत मान साहब जानते होणगे, पर यह मामला की है एक नज़र तुसीं जरूर करो। सब तो पहला तुहानूं दिखाने आ तस्वीर जदों ओल्ड पेंशन स्कीम की नोटिफिकेशन मुलाजम जथेबंदियों वल्लों पाड़िया गया, तो उस तो बाद तुसीं देखो भगवंत मान साहब ने उस उत्ते रिएक्शन की दिता है। सरकार हाय 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 हाय, पुरानी पेंशन लागू करो लागू करो लागू करो, नोटिफिकेशन है रद्द करो रद्द करो रद्द करो, पंजाब सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पूरा नोटिफिकेशन जारी करो जारी करो जारी करो, पूरा नोटिफिकेशन जारी करो जारी करो जारी करो, पुरानी पेंशन लागू करो लागू करो, पंजाब सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पंजाब सरकार हाय 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 हाय, पुरानी पेंशन लागू करो लागू करो लागू करो, पूरा नोटिफिकेशन जारी करो जारी करो जारी करो। ओल्ड पेंशन स्कीम, मैं आप एक टीचर का बेटा, मैं स्कीम दे हक चा क्योंकि 2004 तो बाद की कीता मुलाजम काम कर रहे ने, सरकार उन्हों का जिहड़ा पैसा कट रही है जिहड़े कि उन्होंने पेंशन बाद मिलना होंदा पेंशन वेले उन्होंने शेयर मार्केट चला दिंदी है। सानू पुछ के लाया, फर्ज कर लो किसी बैंक चलाता जी पैसा थोड़ा, कोई नीरव मोदी का भाई आया धीरज मोदी वह लुट के भज गया तो थोनू की कहणगे? बैंक नूं नहीं घाटा पिया, थोनू कहणगे सॉरी जी थोड़ा पैसा लेके भज गए, थोड़ा की कसूर है जी तुसीं कह के लवाया उन्हां तों? इह मुलाजमां दे पैसे नूं उद्योगपतियां दा करजा लाउण वास्ते वरत रहे ने, इह गल समझ लो, नहीं तां तुसीं पैसे कटाई जांदे हो तनखाह चों जदों रिटायर हो गए। कई इहो जिहे भी ने
जे 25-25 साल नौकरी करके रिटायर हो गए, हो सकता है 1000 रुपया पेंशन मिले, क्योंकि थोड़ा पैसा डुब गया शेयर मार्केट च। सानू पुछ के लाया जी, असीं तां कहिंदे जो साडा कटाया वो सानू दे दो, ब्याज समेत दे दो। पहले मिलता ही सीगा 2004 तो पहला। असी ओल्ड पेंशन स्कीम का जिहड़ा नोटिफिकेशन जारी करता, असीं उन्हूं विधानसभा च लैके आवांगे। केंद्र ने की कहा, कहिंदे असीं थोड़े पैसे नहीं मोड़दे। 18000 करोड़ पिया जी उत्थे, जिहड़ा तुसीं थोड़ा कट लिया ऑलरेडी, कहिंदे असीं दिंदे नहीं है। पर हुण उन्हां नाल लड़ांगे, होर की करिए फिर। असीं कहा जी साडे, जे तुसीं सानू सेंटर वालों कोई राज नू, स्टेट नू कोई रियायत नहीं देनी, कोई सानू सहायता नहीं देनी, घट्टो घट्ट साडे वाले तां मोड़ दो। GST का पैसा उत्थे फसया पिया, रूरल डिवेलपमेंट फंड का उत्थे फसया पिया, थोड़े वाले पैसे उत्थे फसे पे ने। यह तो धक्केशाही तो तानाशाही है, ये विरुद्ध लड़ना पेगा अपन। हर बारी ऐ ना कहा करो कि जी आ देखो जी मुर्दाबाद, दुख होया जो असी तो नोटिफिकेशन चे दिलों तो कुछ थोड़िया मुलाजम जथेबंदियां ने उन्होंने ए पाड़ के डस्टबिन सुटता, फिर वो बारे की जवाब देंगे जी। हम साड़ी कोई नीयत माड़ी है, असी कोई वापस ले लिया तो जो सेंटर ने किया असी नहीं करते, उत्थे जाओ फिर हम भगवंत जिंदाबाद, उत्थे जाके तो करो ना कुछ जिंदाबाद। उत्थे गए नहीं गए, जो उन्हें कहता कोई OPS का असी पैसा नहीं देना, उदों तो डस्टबिन च सुटिया नहीं कुछ। ऐ ना करया करो तुसी, आपां कट्ठे लड़ना पऊगा, आपां आपस लड़न लग जाने आपां। साडी नीयत सच्ची है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, साडे वालों 100% होगी, उहदे वास्ते लड़ना पिया, कोई भी हक लेना पिया। तां सुनिया भगवंत मान साहब कहिंदे मैनूं बड़ा दुख होया। हुण भगवंत मान साहब दे इस रिएक्शन ते उहनां ही मुलाजम जथेबंदियां दा या उहनां दे लीडर साहिबानां दा की कुछ कहना है, तुसीं उह वी जरूर सुणो। एक सोशल मीडिया ते पिछले काफ़ी दिनों तो 2-4 दिनों तो एक वीडियो वायरल हो रही है साडे मानयोग मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी की। उहदे विच पुरानी पेंशन दे संबंध दे विच कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम जिहड़ी आ बहुत जरूरी है, सो असी उन्हां दा वेलकम करते। और उन्होंने ये भी कहा उस दे विच कि मेरे पिता श्री, मेरे फादर एक टीचर सीगे ते मैनू मुलाजमान की प्रॉब्लम का पता, तो इन्हां नू जिहड़ी पेंशन आ मिलनी वो जरूरी है। उन्होंने जिहड़े सेंटर गौरमेंट नू आड़े हत्थी लैंदे कहा कि सेंटर गौरमेंट कौन हुंदी आ ये पेंशन का पैसा रखने वाली, जिहड़ा सानू स्टेटा नू मिलना चाहिए। उन्हां दे नाल लगते मुलाजम जथेबंदियों भी रगड़िया लाया, उन्होंने कहा कि असी एक नोटिफिकेशन लागू की ते मुलाजम जथेबंदे ने एक्शन करते हुए इस तरह करके वो उन्होंने फाड़ के डस्टबिन च सुट्टी। तो उन्होंने कहा सानू इसका बहुत दुख लग्या उन्होंने कि असी नोटिफिकेशन जारी की, साढ़े मन च कि कोई खोट सी तो फिर भी यह चिट्ठी पाड़ी गई। सो भगवंत मान जी, पहले तो मैं तुहाडा धन्नवाद करदा, शुक्रिया करदा कि जो एक्शन असी कीता तुसीं उस ते रिएक्ट कीता। सो ये एक बहुत वड्डी साडे लई कामयाबी सीगी कि असी क्यों कम करदे आ, क्यों इहो जे कार्ज करदे आ ते क्यों एक्शन करदे आ कि साडी गल संबंधता कोल जावे। तो जे अज साडी गल CM साहब कल पहुँच गया, इट मीनस ये आ कि असी जो कहना चाहते, जिते गल पहुँचानी चाहते सी उत्ते जाके तीर वज्या। सो खुशी की गल आ कि तुसी सानू रिएक्ट करके दसता तुसी चाहते की हो। सो ये एक सीगा खुशी की गल सी, हुण इहदा दूजा पहलू आ वह दुखी की गल आ कि तुसी दुख व्यक्त किया तो साडे ते भी दोष लाया कि तुसी ये चिट्ठी फाड़ती। हुण मैं दूजा जिहड़ी गल हैगी, दूजा पहलू उस ते करदा, चिट्ठी पाड़ी क्यों? नोटिफिकेशन हुंदी आ कि जिद्दण होगी उहदे विच जां ते डेट पा दित्ती जांदी वी कल तो, परसों तो, 5 दिनां बाद, 10 दिनां बाद वो लागू हो जाएगी, तो जां जिस दिन वो लागू होई उस तरीक तो, जिस दिन वो जारी हुई आ उस तरीक तो लागू हो जाएगी। चिट्ठी तो जे लागू नहीं हुई तो नोटिफिकेशन कितों होगी? नंबर 2, आ नोटिफिकेशन आ तो इस नोटिफिकेशन दे पैरा नंबर 2 दे विच बड़ा क्लीयर लिखा भी डिटेल्ड स्कीम तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिहड़ा हैगा वह बाद दे विच नोटिफाई किया जाएगा। हुण जिहड़ा डिटेल्ड स्कीम आ वो तो आई नहीं, तो जिहड़ा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वो आया नहीं, रूल अमेंड होए नहीं, तो ये कदों होने आ ये क्लीयर नहीं।
सो जिस दिन तुसी अनाउंस कीता सीगा उस दिन असी खुशी जाहर कीती ताडे शक सुबह मैं कढ दवां कि उस दिन मुख्यमंत्री साहब असी ताडे वित्त मंत्री साहब दे मूँह च लड्डू पाए ते गाहे बगाहे साडे कुछ साथियां ने नारे भी लाते ताडी सरकार दे फेवर दे विच जिंदाबाद दे। उन्हां नूं रोकिया भी गया भी कल नूं जवाब दोगे ना एवें करो, पर उन्हां नूं चाह इन्ना ज़्यादा सी। पर उदन की सी तुसी अनाउंसमेंट की भी असी करन जा रहे हैं, असी फैसला ले लिया। जिदन नोटिफिकेशन आई उहदे विच आया ही कुछ नहीं, तो वह असी नोटिफिकेशन फाड़ता। मतलब जिदन खुशी की गल कर रहे खुशी की की, तो जो सानू लग्या भी एदा कोई फायदा नहीं लैटर का असी फाड़ता। सो सीएम साहब जो चिट्ठी लागू ही नहीं हुई, 30 तरीक वाले जिहड़े हैगे बंदे और रिटायर हो गए उन्होंने पेंशन ही नहीं मिली, तो सानू इहदा की फायदा। दूजी गल मुख्यमंत्री साहब ये दसनी चाहना कि ता इस तो बाद गुजरात इलैक्शन तो पहलो आप दे सिपल सलाहकार मतलब कि उच्च अधिकारियों वालों सानू मीटिंग लई सद्दा दिता गया। पैनल मीटिंग हुंदी आ, उहदे विच ये कह दिता जांदा कि थोड़ा जिहा हौसला रखो, जनवरी तो ये जिहड़ी हैगी आ पुरानी पेंशन लागू कर दिती जाएगी। उहदे नाल चार पंज मंगा होर सी जिवें 2016 तो बाद भर्ती मुलाजमान नूं जिहड़ा प्रमोटी आ उन्हां नूं 15% दा लाभ दिता जाएगा। जिहड़े साडे सरकारी मकानां 'च रहिंदे उन्हां दे उत्ते लाइसेंस फीस लगदी 16% हाउस रेंट तो बाद ओह कट दिती जाएगी। जिहड़ी DA दी पत्तर आ उहदे विच सोध कर दिती जाएगी। नाल दी नाल जिहड़ी साडी अनामली कमेटी आ पे कमीशन दे विच जो कमियां रह गईआं उहदी अनामली जिहड़ी दूर करन लई बिठा दिती जाएगी। तो असी क्या भी जो भी तुसी करना चाहते हैं प्रोसीडिंग च लिख दो कि ये संबंधता नूं रप भेज दो उहदी कार्रवाई शुरू हो जाए। पर मुख्यमंत्री जी सानू बड़ा खेद हो रहा कि ताडे कहण ते मीटिंग होई ते अजे ताईं नोटिफिकेशन उहदी जिहड़ी आ प्रोसीडिंग जारी नहीं कीती गई। असी रोज़ जांदे आ ते इक्को जवाब मिलदा कि जिहड़े उत्ते उच्च अधिकारी हैगे ने अडिशनल चीफ सैकटरी वो अज उपलब्ध नहीं ने, उन्हां दे साइन होने ने। सो असी ताडा विरोध ये नहीं करते कि जिहड़ी चीज़ हर चीज़ ते विरोध करिए, अजे ताडे फेवर च भी हाँ। जे तुसी साडियां मंगां मन लोगे तो असी खुद ताडे हार भी पावांगे, ताडा मूँह भी मिठा करावांगे, भंगड़े भी पावांगे। जरूरी नहीं असी हाए हाए करते रहना, असी ना शुकरे नहीं हैगे, शुक्र भी गुजार भी करांगे ताडा। सो ताडे एक स्पोक्समैन ने यह गल कहा कि ये लोग कुछ क बंदे जड़े आ ये पोलीटिकल पार्टिया के मगर लगे हुए ने, तो उन्होंने बयान दिता ये कुछ का बाकी लोग खुश ने। भाई साहब मलविंदर सिंह कंग जी मैं तुहानू दस देना चाहना, तुहानू नहीं पता शायद तुसी जूनियर हो, तुहाडे सीनियर बंदे आ जिहड़ा सुखचैन सिंह खहरा खड़िया मुलाजम सांझे मुलाजम मंच वालों इहनू फोन करदे सी, कौन पुछ के देखो मानयोग स्पीकर साहब नूं, पुछ के देखो मानयोग बुद्ध राम जी नूं, पुछ के देखो अपने वित्त मंत्री साहब नूं कि जदों विधानसभा दा सैशन हुंदे सी ये बुला के कुर्सियां छड्ड के कहिंदे हुंदे सानूं दसो समझाओ मुलाजमान दे मुद्दे असीं उत्थे चक्कांगे, ते उदों असीं विके नहीं सी, हुण उह ते कांग्रेस ही कहिंदे होणगे विके आ। ते जे हुण विधानसभा लगूगी ते की असीं अपने सवाल ओपोजिशन नूं नहीं देवांगे, असीं हुण वी देवांगे, की तुसीं सानूं विके होए कहोगे, की तुसीं सानूं इह कहोगे? मलविंदर सिंह कंग जी याद रखियो तुसीं ग्वालियर डबरा तो बिलोंग करदे, मैं भी उत्थों करदा, ताडी फैमिली किहड़ी पार्टी नाल बिलोंग करदी हो मैनूं भी पता, मैं भी कह सकदा सी, पर मेरा मुद्दा जिहड़ा हैगा वह पोलीटिकल वाद विवाद च नहीं पैणा, मुलाजम मंगा दे उत्ते केंद्रित करना। जिहड़े दुक्की तिक्की बंदे आ के ताडे को इह कोहा गए उन्हां तों दूर रहा करो, वह साडे वालों कढे गए बंदे ने जिन्हां दा कोई वजूद नहीं हैगा मुलाजम वर्ग दे विच। इस करके हर चीज़ नूं बोलण तों पहलों जरूर सोचिया करो। सो जिहड़ी गल मान साहब ने कीती आ, मान साहब ने एक सवाल होर आ कि केजरीवाल साहब ने जिहड़ा पत्र खेती कानूनां दा पार्लीमेंट दे उत्ते पाड़िया सीगा ते उदों ते दुख नहीं लगे, साडे पत्र पाड़न दा क्यों दुख लग्या? सो सानू जिहड़ा राइट दित्ता संविधान ने असीं प्रोटेस्ट कर रहे हां, पर इहदा मतलब इह नहीं गा कि असीं ताडे एंटी, असीं सिस्टम दे एंटी हां, तुसी भी उही सिस्टम का पार्ट बन गए जिहड़ी रवायती पार्टी है। सो मानयोग मुख्यमंत्री जी तुसी इह भी कहा कि असी आपस विच लड़न लग जाने हां ते सानू इकट्ठे हो के लड़ना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुसी, असी ताडे नाल इकट्ठे हो के लड़न नू तैयार आ, पर इकट्ठे होइए कित्थे?
ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਈਏ, ਇਕੱਠ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਇਕੱਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ, ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਊ। ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਉੱਦਣ ਅਸੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਲੀਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਊਗਾ, ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਐਕਟ ਬਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਪਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਲਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਲ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਕਟ ਬਣੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਉ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕੁਛ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲਿਖਤ ਆਸ਼ਵਾਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਆਹ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋੜਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕੋੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਪੀਲ ਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਪੀਲ ਆ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਚਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੀ ਸਾਥੀ ਇਹਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਾਣ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਆ, 15-15 ਦੀ ਲੇਟਰ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਲੱਭੋ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਜੇ ਪਾੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾੜੀ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਵਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਾਂਗੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸਾ। ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ।
ਰੈਪਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਐਕਟ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਰੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਰੇ ਲੱਗੇ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦ ਖਬਰਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।